स्वागत है आपका मिथिला जी की दुनिया में। आज हम कुंदरू की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, ये करीब 250 ग्राम कुंदरू है। इसको कहीं कहीं टिंडली भी बोला जाता है, आपके एरिया में क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। ये कई तरह से बनता है, लेकिन आप देखिए बहुत छोटा छोटा सा मुलायम है, इसलिए मैं काट के बनाऊँगी। और इसको भर के भी बनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसको देखिए, मैं ये इतना मेरा कुंदरू है, इसके साथ मैं एक आलू डालूँगी, ये इतना प्याज है, ये लहसुन है, हरा मिर्चा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुंदरू काटते हैं। कुंदरू हम ये देखिए लंबे पीस में काटेंगे, ये आगे पोर्शन निकाल देते हैं, ये इसको निकाल देंगे आगे पीछे का। और इस ये अगर आपका छोटा कुंदरू है, जैसे देखिए ये छोटा है, बिल्कुल बच्चा कुंदरू है ये देखिए, तो इसको मैंने दो ही पीस में काटा है। और अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसको चार पीस में काट लीजिए। लेकिन ये देखिए बिल्कुल खीरे जैसा बीज है, ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर पका कुंदरू होता है तो अंदर से लाल हो जाता है, ये बिल्कुल कच्चा कुंदरू है। पानी बरस रहा है, बरसात का मौसम है, ये देखिए सारे के सारे मेरे खीरे जैसे हैं। ये गाँव में बच्चे कच्चा भी खाते हैं, देखिए बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही विटामिन और प्रोटीन से युक्त होता है। ये लोहे की कढ़ाई में बनाए तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ा लोहे की कढ़ाई में ये काला हो जाता है, इसलिए स्टील की या कुकर में या ऐसे ही बनाते हैं। और भरुआ जो कुंदरू होता है वो तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, उसको आप चार दिन छः दिन रख के भी खा सकते हैं, करेला जैसा, ये देखिए। तो चलिए हम कुंदरू काट के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, अब कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं इसको। और ये देखिए, ये मैंने काट लिया है ऐसे कुंदरू इस तरह से, ये और ये इसी के साथ इतनी आलू भी काट ली है, ये भी फ्रेंच फ्राई जैसी बहुत पतली पतली सी। तो अब तेल मेरा गर्म हो रहा है, तब तक हम ये जो आलू के पीस हैं थोड़ा चौड़े हैं तो इनको हम और पतला कर लेते हैं, फ्रेंच फ्राई जैसा काट लेते हैं। इधर मेरा तेल गर्म हो रहा है, ये आलू जो है कुंदरू के साथ ही पक जाए, इसलिए थोड़ा पतली मैंने काटी है। अगर आप आलू नहीं पसंद करते तो एवॉइड कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हम आलू डालें। हो गया, इधर देखिए मेरा तेल गर्म हो रहा है। अब इसमें तेल में देखिए हम डालते हैं सबसे पहले थोड़ा जीरा, जीरा डाल दिया। अब गैस को स्लो कर देते हैं, थोड़ी सी राई डालेंगे, ये देखिए काली राई, और अब इसी समय डाल देते हैं इसमें थोड़ा लहसुन, गैस में भी स्लो है। अब हम डालेंगे इसी लहसुन के साथ ही, तो देखिए लहसुन भी पक रहा है। तो अब हम डाल देते हैं ये वाला आलू, इसको कम से कम 60% हमें कुक कर लेना है। गैस तेज कर देते हैं, ये इसको भी हम उसी पतला काट लेंगे एक ही शेप में, कुंदरू वाले शेप में ही इसको भी हम काट लेते हैं। एक दो रह गई है आलू, तो आप अपने मनपसंद डिजाइन से आकार से काट ली जैसा आपको मन हो। ये अब इसको बहुत लोग डीप फ्राई भी कर लेते हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी करें, लेकिन हम थोड़ा तेल कम डाले हैं इसलिए सोचते हैं ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। देखिए गैस तेज हो गई है और ये आलू थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा प्याज भी डाल दिया है, लच्छे वाला जो काट के रखा है, इसको भी इसी के साथ। ऐसे ही स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी समय हम इसमें डाल देते हैं दो लाल मिर्ची और बिल्कुल स्लो गैस पर हम इसको बनाएंगे। ये आलू हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं, इसलिए देखिए ये जो ब्राउन कलर का कोट हो जाता है ना, तो जब आप खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंच फ्राई जैसा। ये देखिए इसको ज़्यादा मुझे नहीं जलाना है। और इसी समय हम इसमें देखिए कुंदरू भी डाल देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे काट लिए।
अब इसको भी स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। गैस को हम तेज नहीं करेंगे, धीमी आंच पर ही इसको भी हम पकाएंगे। अब इस समय हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। नमक डालने से थोड़ा सब्जियां जल्दी गल जाती हैं, इससे मैंने डाल दिया है। और इसको हम ढक ढक के धीरे धीरे से कुंदरू जो है कम से कम 90% तक पक जाएगा, तब तक हम इसको ढक ढक के पकाएंगे, पानी नहीं डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सूखी सब्जियां जो है बार बार देखनी पड़ती हैं, नहीं तो नीचे जल जाएंगी, जिसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो अब हम एक एक मिनट में खोल खोल के इसको देखते रहेंगे। देखिए मेरी आलू भी पक चुकी है, कुंदरू भी करीब करीब 60-90% पक चुका है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें मसाले। तो ये देखिए, ये धनिया है 1 चम्मच, हल्दी है, लाल मिर्च है, और इसी समय थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। अब डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब टमाटर की कमी है, टमाटर आजकल बहुत महंगे हैं, तो आप एवॉइड करिए, खुद ही अपने आप सस्ते हो जाएंगे। पहले ज़माने में टमाटर परमानेंट नहीं मिलते थे गांव गाँव में, तो आम की खटाई के इस्तेमाल किया जाता था। तो ये देखिए, अब इसको हम ऐसे धीमी आंच पे इसको मिलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल ना इसका हरापन गया है, तो बहुत स्वादिष्ट, अब बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो अब इसको हम थोड़ी देर और ढक देते हैं धीमी आंच पे, और ये सारे मसाले इसमें रच बस जाएंगे। देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। सब्जी में हमेशा गरम मसाला जो है बाद में ही डाला जाता है। ये देखिए, तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, अगर बाद में आप डालेंगे तो बड़ी अच्छी सी महक आती है। तो अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो या मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है। तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिए, तभी लगता है कि हमने जो मेहनत की है वो हमारे भाई बहनों को अच्छी लगी है, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, लाइक किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा इसी समय डालेंगे ये कसूरी मेथी है, इसको प्रेस करेंगे, डाल देंगे। सब्जी मेरी बन के तैयार है। आप बताइए आप लोगों को कैसी लगी है। इसमें हम देखिए बिल्कुल थोड़ा सा तिल डालते हैं, तिल भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए, तो पानी यहाँ पे बहुत तेज़ बरस रहा है, तो हम थोड़ा धनिया नहीं मंगा पाए हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने धनिया जो है बहुत पहले से पाउडर बना के रखी थी। धनिया मैंने पाउडर बना के जब जाड़े में खूब आ रही थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे स्टोर करें। तो ये देखिए मैंने ले ली है, इसको ऐसे ऐसे हम इसको भी डाल देंगे। अब मेरी सब्जी रेडी है। आप बताइए आपको कैसी लग रही है मेरी सब्जी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए गैस को हम बंद करते हैं और आपको सब्जी परोस के दिखा देते हैं कि ये हमारी सब्जी कितनी डिलीशियस बनी हुई है। देखिए ये ना तो इसका कलर गया है क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है, और ना ज़्यादा बंद करके पकाया है। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आप लोग भी बनाएंगे जाड़े में। इस समय बरसात में कुंदरू बिल्कुल ताज़ा आ रहा है, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो कहीं कहीं इसको टिंडली भी बोलते हैं। तो आप बताइए आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, हमारे यहाँ तो कुंदरू ही बोलते हैं।
ये देखिए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अब पता नहीं हमको कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो ये देखिए आपको कैसा लगा मेरी सब्जी, ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। पूरी पराठा किसी चीज़ साथ आप खाइए। ये देखिए अगर आपको पसंद आए प्लीज़, तब तो मैंने मेरी मेहनत सफल हो गई। ये देखिए लाइक सब्सक्राइब एंड पूरा वीडियो बात जरूर करें। ये देखिए मेरा बिल्कुल नया चैनल है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखिए चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया, अगर इस वीडियो को वॉच किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटू।